हाय फ्रेंड्स, आज बताऊंगा गो मैकेनिक में जो सर्विस होता है, तीन तरह का पैकेज है, बेसिक सर्विस, स्टैंडर्ड सर्विस और कॉम्प्रेसिव सर्विस। तो आज जो गाड़ी आया बेलेनो पेट्रोल है, उसका कॉम्प्रेसिव सर्विस है। कॉम्प्रेसिव सर्विस में क्या सब होता है आज मैं पूरा दिखाऊंगा, पूरा करके दिखाऊंगा जो क्या सब पार्ट चेंज होता है, क्या और क्या होता है। जैसे कि देखेंगे कॉम्प्रेसिव सर्विस में जो इसका जो इंजन में सबसे पहले हम लोग इंजन फ्लेशर डालते हैं, इंजन को फ्लेशर डाल के कम से कम 2-5 मिनट के लिए चालू करते हैं। ये गो मैकेनिक की तरफ से ही आते हैं। इसका ऑयल चेंज करने के लिए इसका जो नीचे का जो ट्रेन बोल्ट रहता है वो खोलेंगे और इसका जो ऑयल फिल्टर रहता है कुछ यहाँ पर इंस्टॉल रहते हैं। जैसे कि देखेंगे जिसका जो स्पार्क प्लग रहता है यहाँ पे वो भी क्लीन होता है, ये भी मैं खोल के क्लीन करूँगा अभी। जैसे कि देखेंगे आप जो पीछे का जो ड्रम रहता है क्लीन करने के लिए किस तरह से किया जाता है, आज तौकीर भाई बताएंगे। तौकीर, ये हब निकालने के लिए ब्रेक जो हैंड ब्रेक होता है उसको डाउन किया जाता है नीचे करके, और इसमें कुछ नट बोल्ट नहीं है, स्क्रू स्क्रू नहीं है, तो इसको सिर्फ हथौड़ी से फटका मार के बाहर निकालते हैं। ये जो देखते हैं ये ब्रेक लाइनर हुआ, ये ब्रेक सिलेंडर हुआ, इसके हम हाथ मार के देखना चाहते हैं ये सही है कि नहीं। ये सही है, अगर ये जाम होता तो हमको ब्रेक सिलेंडर ये चेंज करना पड़ता, या तो फिर लीक होता तो हमको उसको चेंज करना पड़ता, लेकिन अभी ये दिखने में सही है, लीक भी नहीं है और ये जाम भी नहीं है, तो इसको हम इस पर पॉलिश पेपर मार के इसको हम सही लगा देंगे। कूलन, ब्रेक ऑयल, विंडशील क्लीनर, मैंने सब इसको टॉप अप करेंगे। तो ये भी गो मैकेनिक की तरफ से ही आता है कूलन। ये देखो ये भी गो मैकेनिक की तरफ से ही आता है, डॉटफुल ब्रेक ऑयल और विंडशील क्लीनर, ये भी आता है गो मैकेनिक की तरफ से। तो जैसे कि देखेंगे इसका जो ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर भी रिप्लेस होता है। तो देखो ये ऑयल फिल्टर भी गो मैकेनिक की तरफ से ही, और इसका एयर फिल्टर ये देखो, ये जूना वाला है और इसका ये नया वाला है, ये भी नया डाला जाता है थोड़ा। वैसे जैसे देखेंगे क्या इसमें जो हम लोग ऑयल इंस्टॉल करते हैं, जो ऑयल जो रहता है ये मोबिल का 5W30 का ऑयल रहता है। देख रहे हैं इसका जो ये बैटरी का है, बैटरी का जो पानी रहता है वो भी पूरा चेक किया जाता है। जैसे कि देखेंगे आप इसका जो कॉम्प्रेसिव सर्विस रहता है उसमें जो ये एसी फिल्टर है जिसको केबिन फिल्टर ही बोलते हैं, ये भी चेंज होता है। देखो ये नया वाला मैं लेके आया हूँ और ये उनका जूना वाला था, कुछ इस तरह से। गैस फाइनली पूरा सर्विस हो चुका है, तभी लास्ट में सिर्फ दो ही चीज़ बचा है, इसका स्कैनिंग। तो स्कैनिंग करेंगे, उसके बाद व्हील एलाइनमेंट बैलेंसिंग होगा, फिर वॉशिंग होगा, फिर डिलीवरी। Thank you.
जैसे कि देखिए गो मैकेनिक में जो कॉम्प्रेसिव सर्विस होता है कुछ इस तरह से होता है। इसमें तीन पैकेज है, बेसिक सर्विस, स्टैंडर्ड सर्विस और कॉम्प्रेसिव सर्विस, जिससे मैं पहले भी बोला था। तो ये कॉम्प्रेसिव सर्विस था, नेक्स्ट वीडियो में उसका बेसिक सर्विस और स्टैंडर्ड सर्विस का भी वीडियो डालूंगा, जो बेसिक सर्विस और स्टैंडर्ड सर्विस में कैसा पार्ट चेंज होता है, कैसा होता है।